आईफोन एक्स में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? ये जो वॉल्यूम अप बटन आप देख रहे हैं और ये जो पावर बटन आप देख रहे हैं, इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है, मतलब सिर्फ क्लिक करना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि लोग इसको दबा के रखते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। सिर्फ पावर, ये वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों को एक साथ सिर्फ आपको एक बार क्लिक करके छोड़ देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं ये वॉल्यूम अप बटन और ये पावर बटन को एक साथ क्लिक करके छोड़ दे रहा हूँ। ये देखिए स्क्रीनशॉट आ गया। अगर आप दोनों को प्रेस करके रखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाता है। तो आपको इसे प्रेस करके नहीं रखना है, सिर्फ दोनों को एक साथ एक बार क्लिक करके छोड़ देना है, आपका स्क्रीनशॉट तुरंत आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे एडिट कैसे करते हैं? अगर आप अपने स्क्रीनशॉट को एडिट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप इस स्क्रीनशॉट जो लिए हैं इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर नीचे देखिए मेनू ऑप्शन है, यहाँ पर कई ब्रश और टूल्स हैं, पेन है, जिसे आप चूज करके अपने स्क्रीनशॉट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आता है, टेक्स्ट, सिग्नेचर, मैग्नीफायर। टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जब आपको कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्लैक में टेक्स्ट करके लिखा हुआ है, आप इस बॉक्स में जो चाहें वो लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये दूसरा ऑप्शन है सिग्नेचर, ये आपको साइन अगर करना है तो उसके लिए होता है। यहाँ नीचे देखिए जो बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। इसके बाद ऊपर यहाँ पर डन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब ये सिग्नेचर आपके स्क्रीनशॉट में ऐड हो गया है, आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। एक बार सिग्नेचर करेंगे तो वो हमेशा के लिए ऐड हो जाता है। आप उसे चाहें तो फिर इस तरह से आप उसे ऐड एंड रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर और दूसरा सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर होता है कोई चीज़ को जूम करने के लिए। जैसे आप यहाँ देखते हैं मैं जूम किया हुआ हूँ, ये सिग्नेचर बड़ा में दिख रहा है। कोई एप्लीकेशन अगर आप जूम करके, मतलब कि जो चीज़ आप अपने स्क्रीनशॉट में जूम करके दिखाना चाहते हैं, इस तरह से मैग्नीफायर का यूज करके आप उसे हाईलाइट करके जूम करके दिखा सकते हैं। स्क्रीनशॉट को एडिट करने के बाद आपको यहाँ ऊपर डन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेव टू फोटो और डिलीट स्क्रीनशॉट। तो आप सेव टू फोटो पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो में सेव हो जाएगा। अगर डिलीट स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट को एडिट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को दोनों को एक साथ सिर्फ क्लिक करके छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट आ गया। अब उसे आप कुछ मत कीजिए, उसे वैसे ही रहने दीजिए, ये चला गया, ये सेव हो जाएगा अपने आप। अगर आप जल्दी चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट लिए और तुरंत वो जो है सेव हो जाए, क्योंकि ये अपने आप होने में 2-4 सेकंड का समय लेता है, तो आप स्क्रीनशॉट ऐसे लीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, डन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सेव टू फोटो कर दीजिए, हो गया। तो आपने देखा कि आईफोन एक्स में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, स्क्रीनशॉट को एडिट कैसे करते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।